So hey, what's up, Techie fam? It's your favorite boy, Swaggy 2512, namely Pratik Rakhecha. Welcomes you to my new video. So guys, आज के इस वीडियो में मैं इस Mi Band 3 का रिव्यू करने वाला हूँ. देखते हैं कैसी है ये वॉच, बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, देखते हैं इसका टच रिस्पॉन्स कैसा है. तो विद ऑफ टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो बस ये आ गई वॉच मेरे साइड. तो आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ नहीं है, बस बेल्ट दिया हुआ है, जहाँ पर बेल्ट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और स्क्रीन भी एक प्लास्टिक का बना हुआ है. सो अगर हम इसे ऑन करें तो हमें एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है, स्टेप्स मिल जाते हैं, डिस्टेंस कवर कितने के वो मिल जाते हैं, आपने कितने कैलोरीज बर्न किए वो मिल जाता है, और इसके साथ ही साथ बैटरी लाइफ मिल जाती है. जहाँ पे कुछ पोल्यूशन का कुछ एक नया फीचर आया है Mi Band 3 वॉच में, जो काफ़ी अच्छी बात है. एंड एक थ्रेडमिल का जो आपको आपके स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, इसे बस आपको टैप करके रखना है, थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा. जहाँ पे इसका वाइब्रेशन रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और काफ़ी अच्छा वाइब्रेट होता है, ये आपको काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन देता है. जहाँ पे ये कुछ फीचर्स थ्रेडमिल के, सो गाइस अगर हम इसे क्लिक करके रखें तो वापस हम इसे एग्जिट कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है Mi Band 3 वॉच. अगर आप इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करें तो आप नोटिफिकेशंस भी देख सकते हैं जो आपके मोबाइल में आए हो. ये है टाइमर, आपको इसे ऑन करने के लिए भी क्लिक करके रखना है एंड ये ऑन हो जाएगा. और सेव स्टॉप करने के लिए पॉज दबा के प्ले पॉज कर सकते हैं, और एग्जिट करने के लिए आपको पॉज पे दबा के उसे बीच वाले बटन को दबाना है. काफ़ी आसान है. और एक और चीज़ देखने को मिल जाती है आपको, इधर एक टाइमर देखने को मिल जाता है जो आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हो, और ये आपको नोटिफाई कर देगा जहाँ पे इसकी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है. एंड ये मैंने अभी एक मिनट का लगाया है एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये वाइब्रेट करेगा. गाइज आप देख सकते हैं मूव हो रहा है एंड आपको फील भी हो रहा रहेगा वाइब्रेशन. अगर हमें इसे रिमूव निकाल के बात करूँ तो आपको इधर ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बस एक तरफ आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है जो एक मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट है, एंड ऊपर एक स्क्रीन, और इस तरफ आपको मॉडल नंबर और QR स्कैन देखने को मिल जाता है. इस तरफ ब्लैंक, इस तरफ बैंक, और पीछे मी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, Xiaomi की ब्रांडिंग, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है. और इसकी प्राइसेज भी ज़्यादा महंगी नहीं है, अंडर 2000 आपको मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बजट फिट बैंड है, आपको इसे ले लेना चाहिए. तो आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.